हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पिकेटेक में। मेरे यार, क्या आपने अभी गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई किया हुआ था? अगर अप्लाई किया हुआ था और आपके पास अभी तक आपका गूगल एडसेंस अकाउंट का जो पिन है मेरे दोस्त, वो नहीं पहुंचा है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल एडसेंस अकाउंट का पिन रेयरली कितने दिन में आप तक पहुँच जाता है, और अगर इसको टाइम हो रहा है यानी कि अगर ये होल्ड हो रहा है तो वो कैसे होता है, किन कारणों से बस होता है, और आपको वो कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है गूगल एडसेंस पिन को अप्लाई करते वक्त। चलिए तो मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे यार, आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप इंडिया में किसी भी कोने पर हैं और आपके पास अगर गूगल एडसेंस अकाउंट जो है 15 दिन के अंदर अंदर नहीं पहुँचता है, तो आप ये समझिए कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। हाँ, वो अलग बात है कि मान लीजिए आपका किसी आप गाँव में रहते हो और वहाँ पर पोस्ट ऑफिस का जो सुविधा है यानी जो सर्विस है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है। हो सकता है कि इन कारणों बस थोड़ा सा अगर आपका गूगल एडसेंस पिन 15 से 20 दिन तक थोड़ा सा लेट हो जाए, अदरवाइज गूगल एडसेंस का जो पिन होता है मेरे यार, वो 15 से 10 दिन के बीच में आपके पास आपके घर किसी भी कंडीशन में पहुंच जाता है। देखिए होता क्या, मैं आपको बता देता हूं किन कारणों बस आप का गूगल अकाउंट का पिन जो है वो आप तक जल्दी नहीं पहुंच पाता, यानी कह सकते हो कि आप वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हो। वो क्या है कि आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पर जाना है और सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि क्या वहां एक्शन बटन शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वहां पर एक्शन बटन शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप प्रॉपर वे में अप्लाई कर चुके हो, ठीक है। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो गया, जब आप अप्लाई किए थे तो आपका गूगल एडसेंस का जो अकाउंट जिस मेल आईडी से बना हुआ है यानी जिस जीमेल आईडी से बना हुआ है, आप आपको उस पर मेल चेक करनी है क्या वो सक्सेसफुल हो गई है। यानी कह सकते हो मेरे यार कि आप जब भी उसके लिए अप्लाई किए थे तो आपको 24 घंटे के बाद या दो दिन के बाद प्रॉपर वे में आपको एक मेल आया होगा जिसमें ये शो होता है कि गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई किया हो, वो प्रॉपर वे में क्या हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। गूगल एडसेंस का जो पिन है वो प्रॉपर वे में वहां से चल दिया गया है उसी वक्त, यानी उसी समय से आपका गूगल अकाउंट का जो पिन है वो वहां से चल दिया गया है। कंडीशन ये होती है कि आप जब भी अपने गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करते हो तो क्या आप ये चेक करते हो कि मेरा एड्रेस क्या है, यानी इन द सेंस कि आप जब भी अपना गूगल अकाउंट बनाते हो यानी गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हो मेरे यार, तो वहां पे आपको अपना एड्रेस प्रॉपर वे में पहले चेक करना होता है कि क्या मैं अपना पिन कोड सही डाला हूं, क्या मैं अपनी सिटी सही डाला हूं, अपने गांव का एड्रेस, अपने मोहल्ले गली का एड्रेस प्रॉपर वे में डाला हुआ हूं, पोस्ट ऑफिस का एड्रेस प्रॉपर में डाला हुआ हूं। अगर ये आपका सही है पूरा का पूरा मेरे यार, तो आपके 99.9 चांसेस होते हैं कि आपका जो पिन है गूगल एडसेंस पिन है वो कभी भी कंपनी की तरफ से रिमूव या रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, वो आप तक पहुंच ही जाएगा। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप पर जाकर आपको बताता हूं मेरे यार कि कैसे आपको चेक करनी है, अपनी मेल कैसे चेक करनी है, एक्शन बटन कैसे चेक करना है, और तीसरे वे में आपको अपना एड्रेस कैसे चेक करना है कि क्या आपने सही सही उसको फिलअप किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो आप उसको पहले फिलअप करें, तभी दूसरी बार आप अप्लाई करिएगा। अदरवाइज देखिए होता क्या है कि अगर हम 3 बार गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर दिए हो और वहां पे आपको गूगल एडसेंस पिन नहीं मिला हुआ है, तो थोड़ा सा मेरे यार आपको बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, 7 महीने हो सकते हैं वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। आखिरकार वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन कैसे होती है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपको कैसे पता करना है मेरे यार कि मेरा गूगल एडसेंस पिन जो है सक्सेसफुली पूरी तरीके से मैं अप्लाई कर चुका हूं या नहीं कर चुका हूं, या वहां पे कोई इशू रह गया या वहां पे कुछ छूट गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मेरे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपको इस चैनल पर लाता रहूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे चेक करना है कि आप सक्सेसफुली अप्लाई किए थे या नहीं किए थे अपने गूगल एडसेंस पिन के लिए। सबसे पहले आपको अपने गूगल एडसेंस में लॉगिन हो जाना है। सबसे पहले चलिए मैं यहां पर लॉगिन हो जाता हूं। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है गूगल एडसेंस, यानी सिंपली मैं उसको टैप कर लेता हूं। तो चलिए आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने गूगल एडसेंस पिन में पूरी तरीके से लॉगिन हो चुका हूं मेरे यार, बहुत अच्छी तरीके से आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर वे में, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको मेल कैसे चेक करनी है कि मैं प्रॉपर वे में अप्लाई किया था या नहीं किया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक्शन बटन पूरी तरीके से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, प्रॉपर वे में रिमूव हो चुका है, यानी कि पहला आपका स्टेप जो है प्रॉपर वे में एकदम सही है, एक्शन बटन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यानी कि आप अप्लाई किए हो, ठीक है। दूसरी बात, चलिए यहाँ पर मैं मेल पर ओपन करता हूँ।
तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मेल दी गई है मेरे पास दी गई गूगल एडसेंस आइडेंटिफिकेशन बैच फुल, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मेल आई है मेरे पास गूगल एडसेंस आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, यानी कह सकते हो मेरे यार कि आप अपने पिन के लिए प्रॉपर वे में क्या कर चुके हो, अप्लाई कर चुके हो। और मैं ये किया था 18 अगस्त के दिन, आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे आज कितनी हो गई है, 29 हो गई है, यानी कि मेरे पास कल आ गया था गूगल एडसेंस पिन, लेकिन मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दिन हो गए हैं, यानी कह सकते हो प्रॉपर वे में कि अभी 8 से 10 दिन हो गए। मान लीजिए जैसे कि आप प्रॉपर वे में 8 से 10 दिन, यानी कि पूरे के पूरे आपको वैसे 7 या 8 दिन में ही आ जाता है, लेकिन आपको 10 दिन वो आपके पोस्ट ऑफिस वाले ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दूसरा तरीका था। दूसरा तरीका मेरे यार आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि आप प्रॉपर वे में क्या किए हो, अप्लाई किए हो या नहीं किए हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, आपको यहीं से गूगल एडसेंस अकाउंट में आ जाना है, और यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जाना है मेरे दोस्त कहाँ पे, यहाँ आपको कहाँ जाना है, पेमेंट्स में, पेमेंट्स में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट्स में क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो अब यहाँ पे आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है। जब नीचे को स्क्रॉल डाउन आप यहाँ पे करोगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर वे में आपका एड्रेस होगा, यानी कह सकते हो कि आप यहाँ से अपना एड्रेस क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सेटिंग देख सकते हो प्रॉपर वे में। मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर भी है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है। तो इसलिए मेरे यार आपको करना क्या है, अगर आपका एड्रेस में कोई इशू है आपको वो प्रॉपर वे में चेक कर लेना है अप्लाई करने से पहले ही। अगर आप कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप अप्लाई करने से पहले ही यहाँ पे चेक कर लीजिएगा प्रॉपर वे में कि आपका जो रिसीविंग एड्रेस है, यानी कि आपका जो गूगल एडसेंस का जो अकाउंट आप बनाए हो उसका एड्रेस क्या आप फिलअप किए हो, क्या वो एड्रेस सही है या नहीं है, आपको प्रॉपर चेक कर लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है, ठीक। तो इस तरीके से मेरे यार मैं आशा करता हूँ कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।